हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो सच का सामना सीरीज के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी के 1500 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये इस सीरीज का लेसन नंबर 11 है, जहां पे हम कवर करेंगे अगले 15 मध्य प्रदेश जीके MCQ। तो अभी तक हमने लेसन 10 कवर कर चुका है, जिसमें हमने देखा है 60-75 क्वेश्चन चैप्टर 2 के, और आगे हम देखेंगे इस लेसन नंबर 11 में। वी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको देखें, आपके लिए हेल्पफुल। तो बस तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकम ऑपरेशनल, यानी मध्य प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां कार्यरत हुआ? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धार। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जो गवर्नमेंट द्वारा एक माहौल प्रोवाइड कराया जाता है इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, वहां पे सस्ती बिजली, पानी की उपलब्धता और सड़क वगैरह सारा कुछ वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस हिसाब से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्रीन फील्ड नाम से धार में बनाया गया था, एमपी का पहला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का मानक समय कहां से लिया जाता है? ऑप्शन ए जबलपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी रीवा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी बैतूल रेलवे स्टेशन, या फिर ऑप्शन डी विदिशा रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर रेलवे स्टेशन। तो मानक समय मध्य प्रदेश का जबलपुर रेलवे स्टेशन से लिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड, तो मध्य प्रदेश का आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, या ऑप्शन डी मंदसौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। तो हम इस तस्वीर में देख पाएंगे, आप इसको एक बार नाम से पढ़ लीजिए, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, यानी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, आपको इसका नाम याद आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन लोकेटेड, तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा भवन कहाँ पे है? इस तरह के कुछ 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आते हैं इंपॉर्टेंट और बन जाते हैं क्वेश्चन आपसे। तो इसी तरह के एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन कहाँ है? ऑप्शन ए सारणी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। तो ये हम तस्वीर देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल में कहाँ पे है ऊर्जा भवन। तो ये सारा कुछ एड्रेस वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ध्यान दीजिए कि भोपाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द तुमैन इंस्क्रिप्शन लोकेटेड, तो ये एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी विदिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुना। तो ये तुमैन अभिलेख किसके बारे में है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये बेसिकली कुमार गुप्ता वन के बारे में इसमें इंस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया है। तो ये ग्वालियर के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में प्रेजेंट टाइम पे है, और ये तुमैन इंस्क्रिप्शन कहाँ गुना में मिला था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर इज संत सिंगाजी समाधि स्थल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। ऑप्शन ए अनूपपुर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी खंडवा, या फिर ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो संत सिंगाजी का समाधि स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन सी खंडवा में है। तो ये आप इस तस्वीर में देख पाएंगे कि संत सिंगाजी का समाधि स्थल है। तो इसमें क्या था कि इंदिरा पुनासा जो डैम है उसके बैक वाटर के कारण ये डूबने वाला था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको हाइट दे दी और ये अब डूब क्षेत्र से आमतौर पर बच जाता, बट फिर भी डूबने के चांसेस रहते हैं। तो ये था संत सिंगाजी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है खंडवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनेरी इंडस्ट्रियल सेंटर इज लोकेटेड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी मंडला, या फिर ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो अभी हमने पिछले कुछ वीडियोज में हमने मालनपुर के बारे में पढ़ा था, तो वो भिंड में था, अब हम मनेरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तो मंडला में है मनेरी औद्योगिक केंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? तो आपको कुल मिला के विंड पावर मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? वेयर इज अ जॉइंट विंड पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए मालनपुर भिंड, ऑप्शन बी जाम गोदरानी देवास, ऑप्शन सी सुहागपुर शहडोल, या फिर ऑप्शन डी बागली गांव देवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जाम गोदरानी देवास। तो जाम गोदरानी देवास अपना अगर एमपी का कुछ भी विंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आता है तो देवास ही आंसर होगा, क्योंकि यही पर भी से। तो ये आप वहां की तस्वीर देख पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, यानी वेयर इज द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर? तो ऑप्शन ए भिंड में है, ऑप्शन बी पीथमपुर, ऑप्शन सी बुधनी, या फिर रायसेन जाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुधनी में है ये जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। वेयर इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट, तो राज्य में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो पहला हमने
पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, अब बारी आई है दूसरा का। पहला था पचमढ़ी, मैं बता देता हूँ, दूसरा कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन डी भोपाल। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरकंटक। तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको ये तस्वीर बतानी है कि ये किसकी तस्वीर है और ये अमरकंटक में है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको उसके बारे में बताना है कि तस्वीर किसकी है और ये कब से क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 86। वेर इज हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, एक फैक्ट्री है जिसका नाम हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट है, ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए मंडीदीप में, ऑप्शन बी पीथमपुर, ऑप्शन सी देवास या फिर ऑप्शन डी मुरैना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंडीदीप। तो ये भोपाल के आसपास वाला एरिया है, वहीं पे है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेर इज कंट्रीज फर्स्ट माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर इंस्टॉल। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने खुद रिपीट किया है। ऑप्शन ए भोपाल में है, ऑप्शन बी खरगोन में है, ऑप्शन सी रीवा में या फिर ऑप्शन डी खंडवा। तो जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खंडवा। तो खंडवा में है माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर इंस्टॉल किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज ध्रुपद संगीत अकेडमी स्टेब्लिश। तो ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है एमपी में, ऐसे पूछते हैं कालिदास तानसेन और ये सारा कुछ पूछते रहते हैं। तो उसी के तर्ज पे एक ध्रुपद संगीत अकादमी कहाँ पे है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल में है ये ध्रुपद संगीत अकादमी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज द खेड़ीनामा आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड। खेड़ीनामा पुरातत्विक स्थल कहाँ है? ये तो फिर से इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी रीवा या फिर ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होशंगाबाद। तो खेड़ीनामा मतलब होशंगाबाद, आपको ये याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, वेयर इज दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम लोकेटेड। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल में। तो भोपाल में दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम लोकेटेड है। तो मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, इसके बाद आप समझेंगे कि ये क्या चीज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है, ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बनते भोपाल में ये इसकी हालत हो गई है। तो फिलहाल ये इस कंडीशन में है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 90 तक ऑफ चैप्टर 2। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेसन नंबर 12 में और खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर 2। इसके बाद अब शुरू होंगे असली एमपी के क्वेश्चन, जो कि आपसे बहुत सारे बनेंगे, कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा का पूरा सेशन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और जो भी जैसा भी आपको कुछ रिव्यू क्वेश्चन है सारा कुछ कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की आ सके। जय हिंद, जय भारत।